नाइन मंथ में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। नौवा महीना जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। इसी महीने आपकी डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं, या तो नौवा महीना में, ये नौवा महीना ख़त्म होते ही। नॉर्मली नौवा महीना 36 हफ्ते से तो शुरू ही हो जाता है, और शुरू होता है वहाँ से आपके डिलीवरी के सिम्टम्स, वहाँ से आपके डिलीवरी होने के जो जो भी सिम्टम्स हैं वो आपको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। नौवा महीना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है महिलाओं के लिए, और काफ़ी इमोशनल भी होता है, क्योंकि डिलीवरी अब जल्द होने वाली है और पूरे 9 मंथ तक आपने बेबी को कैरी किया है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं, इमोशनल चेंजेस देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं आपने, और अब वो पूरा प्रेगनेंसी का जो फेज़ है वो ख़त्म होने जा रहा है और बेबी आपके गोद में आने वाला है। तो नौवें महीने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपने पूरे 8 महीने एक्सपीरियंस नहीं की है, वो सिर्फ इस 1 महीने में आप एक्सपीरियंस कर सकती हैं। कई इमोशनल चेंजेस होते हैं, ऐसा लगता है कि बेबी इमोशनल ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, आप रो सकती हैं, इमोशनल हो सकती हैं, खुश भी हो सकती हैं। नींद आने में प्रॉब्लम होगी, बढ़ते वजन के कारण और डिलीवरी के टेंशन के कारण महिलाओं को नींद में थोड़ी तकलीफ़ होती है, करवट लेने में तकलीफ़ होती है, बाएं तरफ सोने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि एक तरफ सोना इतने भारी वजन के कारण कई बार बाएं हाथों में, पैरों में दर्द महसूस हो जाता है। तो अगर आपके पास स्लीपिंग पिलोज़ है तो थोड़ा सा आपको राहत है, अदरवाइज़ जो महिलाएं बिना स्लीपिंग पिलोज़ के सोती हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा कष्ट होता है सोने में, कमर में, पीठ में, पेट के निचले हिस्से में। ये जो भी मैं बता रही हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। तो कई बार ऐसा दर्द, कॉन्ट्रैक्शंस महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि ये प्रसव पीड़ा है, लेकिन आप थोड़ा सा बैठोगे या चलोगे तो वो गायब हो जाएगा। तो कई बार ये कॉन्ट्रैक्शंस भी परेशान कर देती हैं नौवा महीना में, और ये दर्द आता है फिर चला जाता है, पेट के निचले हिस्से में, कमर में, पीठ में। कई महिलाओं को कमर में और पीठ में नौवे महीने में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, वो इसलिए क्योंकि मैंने बताया बेबी का जो भारी वज़न है वो आपके पीठ और कमर पर ज़्यादा पड़ता है, लोअर एब्डोमिनल में, हिस्से में काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण कई बार दर्द का भी सामना करना पड़ सकता है। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन और लूज़ मोशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, कहीं आप बाज़ार में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको वहाँ पर वॉशरूम ढूँढना पड़ता है, क्योंकि वो इसलिए बच्चे का भारी वज़न यूरिन ब्लैडर पर पड़ता है और बार बार महिलाओं को यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होना नौवें महीने में ये भी एक सिम्टम्स है। प्रेगनेंसी, पूरे प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा अगर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होती है तो अब होती है नौवें महीने में, जब बेबी का हेड डाउन हो जाता है और पूरा जो वज़न है वो लोअर साइड में पड़ने लगता है। हाथ पैरों का सूज जाना, खासकर पैरों में सूजन की प्रॉब्लम होना, स्वेलिंग होना, कई बार महिलाओं का पूरा बॉडी सूज जाता है, स्वेलिंग होने लगती है नौवें महीने में, खासकर जब भारी वज़न पैरों पर पड़ना शुरू होता है तो सूजन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो मेरी राय ये है कि ज़्यादा देर तक पैरों को लटका के ना रखें, थोड़ा ऊपर रखें या फिर चेयर पे रखें, से स्वेलिंग में राहत मिलेगी। आप चाहे तो गुनगुने पानी में भी पैरों को रख सकती हैं स्वेलिंग से राहत पाने के लिए। तो ये सारा कुछ नौवा महीना में होता ही होता है, हर महिला के साथ होता है। अगर जिनको नहीं एक्सपीरियंस हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि उनकी प्रेगनेंसी स्मूथ चल रही है, लेकिन अधिकतर महिलाएं ये सामना करती ही करती हैं। भूख का बढ़ना, अब नौवें महीने में हर चीज़ खाने को आपका जी करेगा, और आप सोचेंगे कि जो चीज़ छूट गई है अभी तक वो नौवें महीने में आप खा लें, क्योंकि कई लोग ऐसा भी बोलते हैं महिलाएं प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ छूट जाता है तो उससे बच्चों की लार टपकने लगती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ क्रेविंग्स होती हैं जो महिलाएं सोचती हैं कि अब ये लास्ट मंथ चल रहा है तो इसमें सब कुछ खा लिया जाए, तो ये फूड क्रेविंग भी नौवें महीने में होती है। तो ये सारा कुछ जो भी मैंने बताया है ये बहुत ही रिलेटेबल है और उससे आप भी रिलेट कर सकती हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।